तो हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्तम और आप देख रहे हैं यूटीएम जौनपुर रेल फैन। दोस्तों आज हम आ गए हैं श्री राम नगरी अयोध्या जंक्शन और हमारे यहां से यात्रा शुरू होने वाली है अयोध्या से जौनपुर जंक्शन तक, जो कि जम्मू से चलकर कोलकाता को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन से होने वाली है, जो कि एक घंटे बाद हमारे अयोध्या स्टेशन पर कुछ ही देर में आएगी। तो चलिए आपको एक बार अयोध्या स्टेशन दिखा देते हैं कि कैसा दिखता है अयोध्या रेलवे स्टेशन। तो कुछ यूँ दिखता है अयोध्या रेलवे स्टेशन, और आइए आपको इसके अंदर ले जाते हैं एंट्रेंस के अंदर और दिखाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे कैमरे लगा दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी है। और बगल में जो आप देख रहे हैं भव्य यहाँ का स्टेशन बनाया जा रहा है। तो चलिए अंदर की तरफ आपको ले चलते हैं। यहाँ पे पूछताछ केंद्र है जहाँ पे आपको जानकारी मिलेगा, यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप होता है। और कुछ ऐसा दिखता है अयोध्या रेलवे स्टेशन का पुराना मॉडल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है सामने। और इसके ठीक बगल में बन रहा है नया भव्य स्टेशन। तो हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होगी आज। तो ये है अयोध्या रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म संख्या 1, जहाँ पे हमारी ट्रेन आएगी। तो चलिए आइए आपको ऊपर की तरफ एक बार ले चलते हैं और वहाँ से कुछ बातें करेंगे और कुछ नज़ारा दिखाएंगे आपको। तो सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ के बिल्डिंग निर्माण का। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर मंदिर की तरह बनने वाला है यहाँ का प्लेटफॉर्म, यहाँ का एंट्रेंस, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो हम खड़े हैं अभी अयोध्या के ब्रिज पे, फुटओवर ब्रिज पे, और कुछ ही देर में यहाँ पे साबरमती एक्सप्रेस आने वाली है, तो कैप्चर करेंगे उसको भी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन काम अभी तक नहीं हुआ है, आप पीछे देख सकते हैं हमारे, अभी इलेक्ट्रिफिकेशन काम यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ है। तो बहुत सारे काम यहाँ पे रह गए हैं जो बाकी हैं। मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दोहरीकरण के पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन काम किया जाएगा, उसके बाद ही कोई काम किया जाएगा। थोड़ा यहाँ पे फ़ोन और बैग और सामग्री बचा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बंदरों को काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है, तो उनसे भी हमें सुरक्षा रखनी बहुत ज़रूरी है। और इस तरफ पार्किंग बनाई गई है सामने, आप पीछे आप देख सकते हैं, ये हमारे पीछे इस तरफ पार्किंग बनाई गई है जहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ पार्क कर सके, क्योंकि आने वाले टाइम में जब भी ये मंदिर बन जाएगा, स्टेशन बड़ा हो जाएगा, तो ट्रैफिक बढ़ जाएगी, लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रिफिकेशन के आप देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या सीन है। तो कुछ ऐसा सीन है अयोध्या। एक्चुअली इस थोड़ी सी वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है आगे, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरी फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और मैं गलती से भूल गया था कि अपना चार्जर ले जाना, तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम इशू आ गया था, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। बाकी मैंने दूसरे फ़ोन से कोशिश किया है कि आपको कैप्चर करके दिखा सकूं। वो फ़ोन ऐसे पड़ा हुआ था तो मैं लेके गया था, तो उससे मैंने बस थोड़ी सी कैप्चर किया है और कोशिश किया है कि आप लोगों को जितना हो सके मैं दिखा सकूं, कैप्चर कर सकूं। बाकी ट्रेन का आप अराइवल देखिए, तो आगे हम आपसे बात करते रहेंगे। तो हमारी ट्रेन आती है करीबन 10 से 15 मिनट डिले होकर, और यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर होने का समय आ चला है, और हमारी ट्रेन अब अयोध्या के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से निकल के गोसाईगंज की तरफ, अकबरपुर की तरफ अब निकल चली है, और उसके बाद आएगा शाहगंज जौनपुर। तो हमारी यात्रा जो होने वाली है वो अयोध्या से जौनपुर तक की होने वाली है।
अयोध्या से निकलकर हमारी ट्रेन रुकती है सीधा गोसाईगंज रेलवे स्टेशन। और गोसाईगंज रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अगर आपको गोसाईगंज रेलवे स्टेशन देखना हो तो आप मेरे सद्भावना एक्सप्रेस की जर्नी में आप गोसाईगंज रेलवे स्टेशन और इस रूट पर हो रहे जितने भी स्टेशन के काम हो रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं। बाकी अंधेरा हो जाने के कारण ज़्यादा कुछ खास कैप्चर तो नहीं कर पाया, पर यहाँ पे लोगों को यात्रियों को चढ़ने और उतरने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा जो कि मेरे को देखने को मिला। तो स्टेशन बन जाएगा तो उसके बाद लोगों को सुविधा होगी, पर अभी फ़िलहाल में काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति है। तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा काम जल्दी हो जाए। और लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ थी, मैंने देखा, लाइव देखा, दो तीन लोग तो गिर भी गए थे। तो और गोसाईगंज रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हमारा अगला स्टॉप आता है अकबरपुर रेलवे स्टेशन। और सामने जो आप देख रहे हैं ये है अकबरपुर का प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3, और दूसरी तरफ है आपका प्लेटफॉर्म संख्या 1, जहाँ पे अभी हम कुछ देर में आपको प्लेटफॉर्म संख्या 1 दिखाएंगे। तो कुछ ऐसा है अकबरपुर का हाल और कुछ इस तरह सा दिखता है अकबरपुर रेलवे स्टेशन। और यहाँ से निकलने के बाद आएगा मालीपुर, तो आइए आपको प्लेटफॉर्म संख्या 1 दिखाते हैं। तो ये है प्लेटफॉर्म संख्या 1 अकबरपुर रेलवे स्टेशन का, तो जो कि हमारी ट्रेन यहाँ पर टाइम से आ चली थी। और कुछ ही देर में हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर का टाइम होगा, तो यहाँ का डिपार्चर भी आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। बाकी आप यहाँ का व्यू देख के इंजॉय कीजिएगा कि रात के टाइम अकबरपुर रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है। तो कुछ इस तरह सा अकबरपुर रेलवे स्टेशन का हाल है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस रूट पे अकबरपुर रेलवे स्टेशन, और ये जंक्शन भी है। यहाँ से एक लाइन निकलती है टांडा की तरफ जाती है जो कि NTPC से ज्वाइन होता है। तो ऐसा है अकबरपुर रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चला है, अब हम ऑन बोर्ड होते हैं अपनी ट्रेन में, क्योंकि इसका अगला स्टॉप होने वाला है मालीपुर रेलवे स्टेशन, और मालीपुर के बाद अगला स्टॉप होगा इसका शाहगंज जौनपुर। तो हमारी ट्रेन अब अकबरपुर रेलवे स्टेशन से निकल रही है मालीपुर की तरफ। तो आप अकबरपुर रेलवे स्टेशन का डिपार्चर इंजॉय कीजिएगा। तो हम निकल रहे हैं अकबरपुर रेलवे स्टेशन से, तो कुछ ऐसा दिखता है प्लेटफॉर्म संख्या 1 अकबरपुर रेलवे स्टेशन का, जो कि अभी यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसे तोड़ा जाएगा और इसके ठीक पीछे नया प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। तो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन काम काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है, तो कुछ टाइम लग सकता है उसे कंप्लीट होने में। बाकी जब भी कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे नया प्लेटफॉर्म बन जाएगा, तो हम यहाँ पे ज़रूर आकर इसे फिर से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फाइनली ये डिपार्चर चली है हमारी ट्रेन, और अगला स्टॉप होने वाला है मालीपुर शाहगंज, उसके बाद अगला स्टॉप हमारा जौनपुर। तो हमारी जो यात्रा है वो जौनपुर तक ही होगी। अकबरपुर से निकलने के बाद हमारी ट्रेन सीधा मालीपुर और शाहगंज रेलवे स्टेशन रुकती है। मैं मालीपुर और शाहगंज रेलवे स्टेशन कैप्चर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा दूसरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसके बाद मैंने किसी से चार्जर मांग के किसी तरह से मैंने फ़ोन को चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद मैंने सीधा जौनपुर जंक्शन का कैप्चर किया है। तो बीच में जो स्टेशन छूट गए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी आप प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे हमारी ट्रेन आती है जौनपुर जंक्शन के, और यहाँ पे हमारी यात्रा समाप्त होती है। तो कुछ ऐसा दिखता है प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 जौनपुर जंक्शन का। और प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आने वाली थी वाराणसी से चलकर बरेली को जाने वाली जनता एक्सप्रेस, तो इसके लिए हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे लगाया गया। तो कुछ ऐसा हाल है प्लेटफॉर्म संख्या 2 का जौनपुर जंक्शन पे। ये करीबन रात के 12:30 बजे के आसपास हमारी ट्रेन जौनपुर जंक्शन पहुँचती है, और यहाँ पर हमारी यात्रा समाप्त होती है। बाकी उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, छोटी सी जर्नी थी और छोटी सी वीडियो थी। तो बाकी नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि इस ट्रेन से जर्नी करूं और पूरी वीडियो आपको देखने को मिले। और बाकी उम्मीद करता हूं अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, क्योंकि जल्दी ही हमारी एक और यात्रा शुरू होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कोशिश किया है मैंने कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ, दिखा सकूँ। तो मिलते हैं आपको अगली जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।